नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 19 मार्च से लेकर 25 मार्च का समय, जी हाँ दोस्तों, ये पूरे सप्ताह आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा और बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपके साथ वीडियो में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण बातें शेयर करने वाले हैं जिनसे आपका मन बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहेगा। क्या दोस्तों, आपको बता दें कि यश में घरों की कुछ ऐसी स्थिति बन रही है जहां पर आपको लाभ के साथ साथ बड़ी बड़ी कामयाबी भी हाथ लगने वाली है और इनसे आपके घर के माहौल में खुशियां छाने वाली है। घर का माहौल में सभी प्रकार की आर्थिक तंगियां दूर होंगी। पैसे से जुड़ी सभी समस्याएं हैं यश में उनका हल होगा और अपने जीवन में बहुत ही आगे तक जाने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपके जीवन में कुछ ऐसे ही बड़े चमत्कार से होंगे, कुछ ऐसे आप दिव्य शक्तियों का यश में एहसास करने वाले हैं जिससे दोस्तों आपका पूरा भविष्य ही उज्जवल होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके हाथ यश में नए नए कॉन्ट्रैक्ट लग सकते हैं, नए नए कार्य यश में आपको करने को मिल सकते हैं जिनसे दोस्तों आपके जीवन में जो भी पेशों को लेकर आर्थिक तंगियां हैं, जो भी आपके कार्य रुके हैं उनमें भी यश में बहुत ही अच्छा लाभ होगा, बहुत ही अच्छी गति आने वाली है और आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। दोस्तों यूँ कहें तो ये पूरे सप्ताह ही आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाले हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन समयों का किस प्रकार सदुपयोग करते हैं। तो दोस्तों ऐसे में आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि यह सप्ताह आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव होंगे, किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, इसमें आपको किन चीज़ों को लेकर सावधान रहने होंगे, आपके घर के माहौल में क्या बदलाव होंगे, पारिवारिक जीवन में क्या सुधार होंगे। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिएगा, गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर शेयर कर लें। तो आए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए सोच विचार और आत्मनिरीक्षण करने का समय होगा। आपको बता दें कि यश में अचानक ही कोई असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। आप अपनी कुशलता और समझदारी द्वारा सुखद परिणाम भी प्राप्त करने में यश में सक्षम रहेंगे। फोन द्वारा भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी इसमें आपको प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों ध्यान रखें कि अहम और अति आत्मविश्वास आप पर हावी ना रहे। घर में भी भाइयों के साथ किसी प्रकार का वाद विवाद संभव है, परंतु आप अपनी समझदारी व फिर अपने व्यवहार कुशलता द्वारा उसे निपटाने में भी जो है सक्षम अवश्य रहेंगे। इसके साथ दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों दिन की शुरुआत में ही किसी अटके हुए काम के बारे में प्रगति वाली खबर मिलेगी जिसकी वजह से आप पर बना तनाव भी इसमें कम रहेगा। लेकिन दोस्तों खुद को तनाव मुक्त रखने के लिए विचारों में बदलाव लाने की अति आवश्यकता होगी। खुद पर विश्वास रखें, बातें अभी आपके पक्ष में ही होंगी लेकिन जरूरत से अधिक वक्त लगने की वजह से मन में चंचलता भी बढ़ सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए उत्तम समय भी होगा। स्थान परिवर्तन की कोई योजना कार्य रूप में परिणित हो सकती है। दोस्तों आय के नए स्रोत इसमें बनने वाले हैं तथा आर्थिक स्थिति भी इसमें आपकी बेहतर होंगी। आपको बता दें कि किसी नजदीकी मित्र की सलाह आपको कई परेशानियों से राहत दिलवाने वाली है। तो दोस्तों यश में मित्रों की आप सलाह पर विश्वास कर सकते हैं। इसके उपरांत किसी महत्वपूर्ण कार्य में पारिवारिक वरिष्ठ सदस्य की सहमति अवश्य लें। ध्यान रखिए कि कोई भी अनुचित कार्य आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, साथ ही अपमानजनक स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। और इसके साथ दोस्तों यश समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि आपका मनमौजी स्वभाव दूसरों के लिए तकलीफदायक हो सकता है। नए मित्रों के साथ परिचय बढ़ाने की आवश्यकता होगी जिसके द्वारा आपका निजी भविष्य में फायदा भी हो सकता है। व्यापार में संबंधित बातों को रिस्क लेने से पहले अपनी क्षमता को परखना आपके लिए आवश्यक होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों परिस्थितियाँ अनुकूल है, समय की कीमत और महत्व का आज इसमें आपको सम्मान करना चाहिए। आपको बता दें कि यश में आपको कोई अवश्य नई उपलब्धि हासिल होगी। भूमि जायदाद से संबंधित कोई भी अहम काम भी यश में संपन्न हो सकता है। आध्यात्मिक कार्यों में भी आपकी यश में रुचि रहने वाली है। इसके साथ दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए किसी प्रकार की यात्रा करने से बचें, क्योंकि दोस्तों इनसे कोई भी लाभ होने की संभावना उतना नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। किसी भी कार्य में इसमें करने से पहले उन पर सोच विचार कर लें। व्यक्तिगत लाइफ में हस्तक्षेप किसी का ना करें, अन्यथा बिन बात के कुछ रिश्ते में खटास हो सकते हैं। इस पर आपको इसमें ध्यान देने की आवश्यकता होगी।
और इसके उपरांत दोस्तों इस समय आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि महत्वपूर्ण काम आपके पूरे होने के कारण थोड़ी राहत भी आपको महसूस होंगी। आगे के काम की योजनाएं बनाते समय आपको मन को शांत रखने की आवश्यकता होगी। आपको बता दें कि भविष्य काल से जुड़ी बातों की अधिक चिंता करने से वर्तमान में हो रही सकारात्मक बातों की तरफ से आप अपने ध्यान को नहीं दे पाएंगे। आपको बता दें कि मिल रही परिस्थिति का पूरा आनंद लेने की यश में आप कोशिश करें, क्योंकि यह परिस्थिति आपके भविष्य के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि साबित होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों अपनी कार्य क्षमता पर विश्वास करना आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल बनाएगा। संपत्ति के बंटवारे संबंधी कोई कार्य भी यश में किसी की मदद से हल हो सकता है। संतान के करियर और शिक्षा संबंधी किसी चिंता का समाधान आपको राहत देगा। और इसके उपरांत दूसरे यश में आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि भावुकता और उदारता में लिए गए निर्णय नुकसानदेह रहेंगे, इसलिए अपनी इस कमजोरी पर विजय हासिल करना यश में आपके लिए जरूरी होगा। अत्यधिक गुस्सा आपके लिए आपके स्वास्थ्य और कार्यों का हानि कर सकता है, तो धैर्य बनाकर रखें, ये आपके लिए यश में अति आवश्यक होंगे। पैसे के मामले में किसी के द्वारा आपको फंसाने का डर भी सता सकता है। पैसे से जुड़े डर को अधिक महत्व न देते हुए ठीक से व्यवहार करने पर अधिक ध्यान देने की यश में आपको आवश्यकता होगी। आपके नरम स्वभाव का कोई गलत फायदा भी यश में उठा सकता है, इसलिए दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए खुद के लिए सही वक्त पर खड़ा होना आपको यश में सीखना होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपके करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में व्यापार में नई पार्टियों तथा नए लोगों के साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए धोखाधड़ी होने की आशंका लग रही है, इसलिए यश में आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। किसी को भी पैसा उधार ना दें और ना ही कहीं पर यश में निवेश करें, क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से इसमें आपको बचना होगा, ये आपके व्यापार के लिए इसमें बेहतर होगी। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके करियर के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि सरकारी सेवारत व्यक्तियों के लिए भी प्रमोशन के योग बन रहे हैं। बिजनेस में नए अनुबंध और ऑर्डर मिलेंगे जो कि भविष्य में फायदेमंद साबित होंगे। ये जो समय होंगे आपके लिए अपने काम की क्वालिटी पर आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे आपके करियर के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि व्यावसायिक गतिविधियों में बहुत अधिक गंभीरता से सोच विचार और मूल्यांकन करने की जरूरत होगी। कार्य प्रणाली में भी कुछ बदलाव संबंधी नीतियों पर भी विचार विमर्श करें। जनसंपर्क का दायरा और अधिक विस्तृत करने से आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति भी होगी, तो दोस्तों इन पर भी जरूर ध्यान दें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे आपके करियर के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में अभी गतिविधियां जो है कुछ धीमी ही रहेंगी, परंतु चिंता ना करें, समय अनुसार सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि किसी भी पार्टी के साथ डील करते समय भावुक होकर कोई भी निर्णय ना लें, ऑफिस का माहौल भी इसमें शांतिपूर्ण बना रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यह समय पति पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य बना रहेगा तथा परिवार के साथ कोई मनोरंजन या फिर गेट टुगेदर संबंधी योजना भी बन सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि व्यावसायिक परेशानियों को अपने पारिवारिक जीवन पर हावी न होने दें। युवाओं की दोस्ती प्रेम संबंधों में यश में तब्दील हो सकती है, जो कि आपके लव लाइफ के लिए काफ़ी बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, इससे आपसी संबंध और अधिक बेहतर और मजबूत होंगे तथा पारिवारिक वातावरण भी यश में सुखद रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में भी किसी बात को लेकर गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, तो दोस्तों इसमें अगर प्रेम संबंधों का बचाव करना चाहते हैं तो दोस्तों इसमें आप शक ना करें, यह समय संबंधों में पारदर्शिता बनाकर रखना आपके लिए जरूरी होगा। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें अर्थात आपकी सेहत की, तो दोस्तों शारीरिक कमजोरी और फिर थकान आपको महसूस होगी। बदलते मौसम से अपना बचाव अवश्य करें, दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बेहतर होंगे। और इसके उपरांत आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे आपको बता दें कि अंत में आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। महिलाओं अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक रहें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बेहतर होंगे, क्योंकि दोस्तों यश में नजला जुकाम जैसे स्वास्थ्य संबंधी शिकायत रहेगी। आयुर्वेदिक चीज़ों का सेवन करना आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों जरूरी सभी चीज़ों पर ध्यान दें, यह सभी चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगी।